पाइनएप्पल वो भी कलर करा के सर पे बर्गर। यार ये क्या पहाड़ बना दिया बालों के ऊपर। हाय राम। हाँ यार इसमें तो काटने वाले का कोई गलती भी नहीं था, उसने खुद ऐसे किया। हेलो नील हार्ट्स, तो कैसे हो आप सब गाइस? इतना ज्यादा गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और स्पेशली आपके लिए मैं फैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, सच्ची बाय गॉड। तो इस बात पे मुझे एक लाइक तो कर ही ना, क्योंकि आप जब भी मुझे एक लाइक करते हो ना, मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है। और लाइक करना तो बिल्कुल मुफ्त 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 है, तो जल्दी से लाइक कर दो, लव यू। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कुछ अजीब गरीब हेयर स्टाइल्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये हेयर स्टाइल्स देखने के बाद आपका मन करे कि आप खुद के बालों को उखाड़ के फेंक दो, तो रहने दो फिर। ठीक है, तो ऐसे हेयर स्टाइल मैं आपके लिए ढूंढ के निकाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। हाय, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, लाइक कर दो जल्दी से, टारगेट रखते हैं 30K का। सो गाइस स्टार्ट कर दिया है वीडियो। अच्छा तो इस छोटे से बच्चे का हेयर स्टाइल स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छा क्यूट सा गुबलू सा बच्चा है, और बाल तो बिल्कुल उड़ा के एकदम करंट के शॉक वाला कर दिया, खड़ा कर दिया बाल, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसने करंट का शॉक खाया। फिर भी ये वाला सही है गाइस। है ये क्या कर रहा है, बीच में से ऐसे गंजा कर दिया। ओ माय गॉड, क्यों ये क्या है, मतलब ये क्या देखना पड़ रहा है गाइस? ये कैसा छपरियों वाला हेयर स्टाइल है कि बीच में से आप गंजे हो जाओगे तो आप अच्छे लगने लग जाओगे? हैं, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं तो इसकी जगह होती तो पीट देती यार, ऐसा हेयर स्टाइल कौन बनाता है दुनिया में कि बीच में से ऐसे बिल्कुल सफेद खत्म, बीच में से नहीं है, मतलब क्यों, किस लिए? मेरे को कोई ऐसा हेयर स्टाइल करके देना, अगर किसी ने दिया तो मतलब समझ लो कि उसी दिन उसकी दी एंड हो जानी है। हाँ यार, इसमें तो काटने वाले का कोई गलती भी नहीं था, उसने खुद ऐसे किया यार। कौन कौन, मतलब आपने सुना था ना कि लोग कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, तो इसने तो रेजर पे सर मारा है, तो ये नहीं होना था क्या? ये तो होना ही था, हम तो उसको भी गलत नहीं बोल सकते ना, उसने जानबूझ के थोड़ी किया था। ये क्या पहाड़ बना दिया बालों के ऊपर। हाय राम यार, ये कैसा ही पहाड़ लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, मतलब क्यों, चारों तरफ बाल है ही नहीं, सिर्फ बीच में से बाल रख के वो भी पहाड़ ऐसे करके पहाड़ बना दिया, किस लिए मुझे बताओ? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यार इतना पसीना आ रहा है ना मुझे, मुझे लग रहा है कि मुझे भी कोई गंजा कर दे तो फिर मुझे गर्मी कम लगेगा। मजाक कर रही हूँ, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये क्या स्पाइडर वाला हेयर स्टाइल बना लिया, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बालों के ऊपर स्पाइडर बैठा हुआ है, स्पाइडर या कॉकरोच या कुछ वैसा टाइप का। ओ माय गॉड, मम्मी कसम कितना वाहियात हेयर स्टाइल है यार। ओ नो 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 नो, भाई साहब मैंने तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल तो बहुत देखा है, बीच में से काट देने की क्या जरूरत थी, पीछे भी बाल है, मतलब ये कैसा हेयर स्टाइल है, ये किस लिए जरूरत थी ये हेयर स्टाइल करने की, पूरा गंजा नहीं हो सकते थे आप? यार ऐसा हेयर स्टाइल, सच्ची बोल रही हूँ कसम से, मैं भी किसी दिन करवाना चाहूंगी। क्या बोला तूने? क्योंकि अगर आप ऐसा हेयर स्टाइल करके रास्ते में निकलोगे ना, तो आपके सामने से अगर ऋतिक रोशन शाहरुख खान भी चल के जाएंगे, लोग आपको ही देखेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, आपके बिना किसी को और देखेंगे ही नहीं। हे? सिर्फ इतू सा बाल, वो भी पिंक कलर का, पिंक कलर का बाल, अजीब शौक होते हैं लोगों के यार, पता नहीं ये लोग कौन से नशे करके हेयर स्टाइल करवाने जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं बालों में, कुछ तो कर ही रहे होंगे, इतना सा बाल वो भी कर्ल कराना बहुत जरूरी था क्या, मतलब हद होती है। ये अंकल जी तो बहुत फेमस है, इनसे इंस्पायर्ड होकर तो बहुत सारे लोगों ने ये वाला बीच में से रास्ता बना लिया बालों में ही, बीच में से रास्ता, दोनों तरफ जंगल गाइस, और रास्ता भी बहुत चौड़ा रास्ता है। हैं, इन्होंने सिर्फ बीच से एक रखा है लाइन बालों का। बालों में चेस बोर्ड, मैं चेस जरूर जरूर खेलना चाहूंगी, ये स्मार्ट था, ये स्मार्ट था।
पसंद होता है, बट इतना पसंद कि सर में आप कटिंग करा के गेम्स का नाम लिखवाओगे, टैटू भी करा लो, यहाँ पे चेहरे पे टैटू करा लो गेम्स का, फ्री फायर, पबजी, क्यों, किस लिए यार, मोबाइल में ठीक है ये सब चीजें, बालों में थोड़ी अच्छा लगता है। ये तो पता नहीं टिकटॉक में ऐसा लिखा हुआ है, मारो भाई मुझे, मारो भाई, सही में यार तो ना मार पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना मतलब बिल्कुल शेव ही कर दिया है ना, हैं, इस साइड से तो फिर भी बाल है, दूसरे साइड पे तो बाल है ही नहीं गाइस। सही में ऐसा अगर मेरे को किसी ने करके दिया होता मैं तो उसको जाके मारती, तो अभी बोल रख के कट किया जा रहा है। अच्छा ही कितना चंपूड़ा यार, मैं तो मिस्टर बीन को देखती हूँ मेरे को ऐसी हंसी आती है, मतलब वो कुछ भी करे मेरे को तो उसका चेहरा देख के हंसी आता है। और यहाँ पे तो बोल से हेयर कट फिर से किया जा रहा है, ओह सो क्यूट, कितना क्यूट है, वाह यार, अरे यार किसी का इतना भी क्रेजी फैन हो सकता है कि बालों में शेव करवा के किसी और का चेहरा बनवाएगा, यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का चेहरा बनवा लिया, मेरा भी काश कोई ऐसा फैन हो जो मेरा चेहरा बालों में ऐसे लिखवाए, पेंट करवाए, ड्राइंग करवाए, ऐसे ऐसे शेव करके लिखवाए, कुछ तो कराए यार, मजाक कर रही हूँ, कभी मत करवाना कोई भी, चाहे कितनी बड़ी फैन बन जाओ। कौन आ गया यार, सही में मानना पड़ेगा बहुत बड़ा फैन है, बट फिर भी ये कोई जरूरत थी यार, हाथों में टैटू करवा लेते, बालों को खराब करने की कौन सी जरूरत थी, और वैसे भी ये तो बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो लग ही नहीं, लग ये क्या है, है? गाइस सच्ची में बताओ, मैं पता नहीं ये देख के ना पीछे से हॉर्न भी बज रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि ऐसा कभी आपने किसी को देखा भी नहीं होगा, और मैं तो देखना भी नहीं चाहती, क्या है, डर लग गया मुझे देख के। पीछे भी सर है, सामने भी एक फेस है, पीछे भी एक फेस है, सनग्लास लगा के, वो जो दबंग में था ना सलमान खान, चुलबुल पांडे, सनग्लास खोल के पीछे लगवाते थे वो, तो इन्होंने तो बिल्कुल बालों में करवा लिया वो चीज। सल्यूट टू यू गाइस, सही में उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। गाइस ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी देख सकते हो, सर पे पाइनएप्पल, वो भी कलर करा के, सर पे बर्गर यार, मतलब सही में बोल रही हूँ, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो भी हो सकता है, ये देखने के बाद मुझे समझ में आ गया। अच्छा तो बहुत सारा वाटर स्प्रे किया जा रहा था और इन्होंने वाटर लेके डाल दिया, ये तो स्मार्ट है भाई, ये सही में स्मार्ट है, पानी डालने के बाद और पानी स्प्रे कर रहे हो, चले जाओ वही अच्छा है। अच्छा तो यहाँ पे कोई मम्मी अपने बच्चे की हेयर स्टाइल बना रही है, तो मम्मी तो अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है हमेशा बच्चों की, कभी खराब हो ही नहीं सकता, आई थिंक सो, अभी तक तो मुझे इतना भरोसा है मम्मियों पे यार, हाँ सही में क्यूट तो था। सो गाइज ये हेयर स्टाइल देखने के बाद ना मेरा भरोसा उठ गया है दुनिया से, मुझे अभी लगने लग गया है कि आप इस दुनिया में कुछ भी देख सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो रही हूँ और मेरे से बिल्कुल बात नहीं किया जा रहा गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ही जल्दी, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल मुफ्त 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 है, नया वीडियो देखना है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज।